Hello student, today we see the different Boolean laws in logic gates. So see the first Boolean law, it is commutative law. Okay, and this is the statement of law. ये क्या है commutative law का statement है. तो क्या है a dot b, that is a and b is equals to b and a भी लिख सकते हैं. अगर a प्लस बी है तो उसको हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं. ठीक. और सेकंड है एसोसिएटिव लॉ. इधर क्या करना है अपने को, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, a डॉट b डॉट c अगर रहा तो ये जो ब्रैकेट है हम लोग शिफ्ट भी कर सकते हैं. कैसे, a डॉट b डॉट c मीन्स इधर शिफ्ट कर सकते हैं ब्रैकेट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ. वैसे ही जो है और में a प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर शिफ्ट कर सकते हैं. तो क्या आएगा, a प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट कंप्लीट. ओके, तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ. नेक्स्ट है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स हम लोग क्या करते हैं, जो भी ब्रैकेट के बाहर रहता है टर्म उसको अंदर के ब्रैकेट के इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई मीन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जैसे कि a डॉट b प्लस सी क्या लिखते हैं हम, a डॉट b प्लस ए डॉट सी. ठीक है, तो क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी. ठीक है, ए को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना बीच में प्लस, और ए को बाद में सी को मल्टीप्लाई करना, तो क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी. तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ओके, उसके बाद में एंड लॉ. ऑलरेडी एंड लॉ जो है, एंड इक्वेशन, बुलियन इक्वेशन देखा है हम लोगों ने. एंड लॉ में क्या होता है, ए डॉट जीरो रहा तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो. अगर ए डॉट वन रहा तो उसका आंसर आता है ए. ठीक है, और क्या होता है, ए डॉट ए अगर रहा तो उसका आंसर आता है ए, और ए डॉट ए बार रहा तो उसका आंसर आता है जीरो. ठीक है, उसी के जैसे क्या है, ऑर गेट है. देखो ऑर गेट क्या है, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए रहेगा. ये देखो इधर कंपैरिजन करना कभी भी, इधर क्या आया था, ए डॉट जीरो क्या आता था, जीरो आया था. इधर क्या आया है, ए प्लस जीरो इट इज ए. उसके बाद में a डॉट a इधर क्या आया था, a आया था. इधर a प्लस वन इट इज वन आएगा. ठीक है, उसके बाद में a डॉट a क्या आएगा, a. वैसे ही a डॉट a सॉरी a प्लस a भी क्या आएगा, a आएगा. तो ये दोनों सेम रहेंगे एंड और में. उसके बाद में देखो a डॉट a बार क्या आया था, जीरो. तो इधर क्या आ रहा है, a प्लस a बार इज इक्वल्स टू वन आ रहा है. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखो इन्वर्जन लॉ है. अगर किसी भी टर्म के ऊपर दो निगेशन रहा, दो इन्वर्जन रहा, दो कॉम्प्लीमेंट्स रहे, तो वो जैसे के तैसे रहता है. ठीक है, तो a डबल बार इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a आएगा. उसके बाद में जो है बाकी इम्पोर्टेंट लॉज देख लेंगे. जैसे कि a प्लस बी सी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस सी. उसके बाद में ए बार प्लस ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी. उसके बाद में जो है ए बार प्लस ए बी बार इज इक्वल टू उसको क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार. उसके बाद में ए प्लस ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं. उसके बाद में वन प्लस ए बार बी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं. ठीक है, ये जो है ये अदर इम्पॉर्टेंट लॉज है, और ये जो बुलियन लॉज है ये आपको लर्न करने पड़ते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है प्रॉब्लम्स रहते हैं वो आपको सॉल्व करना पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लॉज. तो वो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम भी हम लोग आज ही देखने वाले हैं जो डिपेंड रहने वाला है ये फॉर्मूलेज के ऊपर. ओके, सो सी द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द बुलियन लॉज. ओके, सी first problem we see on the basis of Boolean laws we have to solve. तो यहाँ पे मैं एक problem आपको solve करके दिखाने वाली हूँ. तो यहाँ पे देखो आपको exam में पूछते हैं reduce the following Boolean expression using Boolean laws, या फिर पूछते हैं simplify the following expression with Boolean laws, या फिर proof पूछते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा बोल रहा है बुलियन एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे जो स्टेप है देखो, अभी यहाँ पे तीन टर्म्स है. ठीक है, ए बी और सी. तो सबसे पहले अपने को जो सी
व्हाट विल बी द कॉमन दैट, मैं सबसे पहले मुझे यहाँ पे कॉमन बी सी दिख रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से जो है बी सी कॉमन निकाल रही हूँ, तो क्या बचेगा, ए बार प्लस ए। ओके, ऑलरेडी ये लॉ हम लोगों ने देखा है, तो क्या है ए प्लस ए बार क्या आता है, वन आता है। ओके, तो आपको ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना भी है, तो क्या आएगा ये टर्म बाकी की जैसे कि वैसी आएंगी बाद में बी सी, और इसका मैंने क्या लिख लिया इधर वन है। ठीक है, अभी क्या है इधर इसमें से अभी कुछ कॉमन निकल सकता है, निकल सकता है, यस इट इज सी। तो सी में कॉमन निकाल रही है, तो क्या बचेगा ए बी बार प्लस बी बचेगा। ठीक है, उसके बाद में अभी यहाँ पे जो है मैं देख रही हूँ कॉमन तो कुछ नहीं निकल रहा है, बाद में देखना यहाँ पे कुछ लॉ लग रहे क्या, जैसे एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देती हूँ, तो क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, ये बी दोनों इसको क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो क्या आएगा बी प्लस ए आएगा एक ब्रैकेट में, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा बी प्लस बी बार। ओके, और ये भी जो है यहाँ पे लिख लेना है, जो भी लॉ आपने यूज किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, हर बार लिखना है जो भी आप लॉ यूज करते हो। उसके बाद में आपको पता है बी प्लस बी बार ऑलरेडी जो है अभी देखा है आप लोगों ने क्या होता है, बी प्लस जैसे कि ए प्लस ए बार वन, वैसे ही बी प्लस बी बार भी वन ही आएगा, तो क्या बचेगा बी प्लस ए, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज का किया है बी प्लस बी बार इज इक्वल्स टू वन। ओके, बाद में अभी क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ जो है यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या, देखो। ओके, तो क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये जो सी है इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, तो क्या आएगा बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अभी इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी कॉमन भी नहीं निकल रहा है और कुछ भी लॉज भी नहीं लग रहे, तो ये अपना क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको जो है अगर रिड्यूस द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन करके आया हो कोई भी एग्जाम्पल, तो आपको ऐसे सॉल्व